हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, आज आपकी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन DLED चतुर्थ सेमेस्टर की 14th क्लास है, जिसमें आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आपके अभी तक 4 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम 5वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम 5वें अध्याय का पहला टॉपिक वित्तीय प्रबंधन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ यह भी जानते हुए चलेंगे कि यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके के या किस आधार पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। वित्तीय प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। सो सभी गाइस एक बार जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स और मित्रों को क्लास में इनवाइट कर लीजिए। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टाइम अपने पास नहीं है, ठीक है। बातचीत के लिए किसी दिन वैसे ही लाइव आ जाया करेंगे। तो अभी हम लोग, और हाँ गाइस, मुझे आपसे एक और बात डिस्कस करनी है कि देखिए, प्रमोट को लेकर के आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, ठीक है। जितनी कोशिश हो सकती है पूरी की जाएगी, और प्रमोट करा के ही यहाँ पर रुका जाएगा। बस आपको अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि आपको यहाँ पर टेट का भी एग्ज़ाम देना है, सुपर टेट भी देना है, और DLED भी अपना समय पर पूरा करना है। तो मैं जानती हूँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा प्रेशर आपके माइंड पर है, तो ऐसे में आप बिल्कुल ना परेशान हो। बस आपको समय समय पर निर्देशित किया जाएगा चैनल के माध्यम से, ठीक है, या लाइव आकर बीच बीच में मैं आपको निर्देशित करूँ कि अभी आगे प्रमोट के लिए क्या कुछ करना है। जो भी रणनीति तैयार होती रहेगी उसके लिए सभी एक साथ आते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि प्रमोट होने में आप लोग कह लीजिए कि मुश्किल से 1 महीना और हमारे पास है। अगर इसके बीच में ही कोई डिसीजन आ जाता है हमारे फेवर में तो बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही साथ बैक प्रशिक्षुओं को भी साथ लेकर के चला जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई पर एकमात्र आप फोकस करिए, ठीक है। तो दोस्तों, आपको बस लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, और जैसे भी आपके लिए कोई मुहिम चलाई जाती है, कोई आंदोलन चलाया जाता है, तो आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करिए, ठीक है। बीच में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना समय बचाएं और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। चैप्टर नंबर 5 आपका शुरू हो चुका है, नाम है वित्तीय प्रबंधन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जब हम विद्यालय में, यहाँ पर दोस्तों हर एक प्रबंधन का जो भी कारक है, चाहे वो विद्या आप कह सकते हैं भौतिक प्रबंधन, मानवीय प्रबंधन या वित्तीय प्रबंधन, हम सभी को विद्यालय से जोड़ते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ओवरऑल विद्यालय से संबंधित ही चीज़ों की चर्चा करेंगे, ना कि किसी अदर संस्था की, ठीक है। तो यहाँ हम सभी चीज़ों को विद्यालय से जोड़ते हुए चलेंगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, वित्तीय प्रबंधन किसमें, विद्यालय में कैसे वित्तीय का प्रबंधन किया जाता है, उसके क्या उद्देश्य है, विद्यालय को अनुदान कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, अनुदान का मतलब होता है वित्तीय सहायता, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको अभी इस टर्म को देख के परेशान नहीं होना है, सभी वर्ड्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों, किसी भी संस्था या बात करते हैं विद्यालय की सफलता और उसकी असफलता, उसके वित्तीय प्रबंधन पर बहुत अधिक निर्भर करती है, कि यदि वो अपने वित्त का सही से प्रबंधन कर लेते हैं, ठीक है, यदि वहाँ के प्रबंधक वित्तीय का सही से प्रबंधन कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो। वित्तीय प्रबंधन की हर एक प्रबंधन में ज़रूरत पड़ती है। अगर मानवीय प्रबंधन करना है, यानी अध्यापक रखने हैं स्कूल में, तब भी आपको वित्तीय प्रबंधन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी उनकी सैलरी के रूप में, ठीक है। आपको बच्चों के खेलने का मैदान में कुछ इक्विपमेंट्स लाने हैं, कुछ खेलने का सामान लाना है, तो वहाँ भी आपको वित्त की ज़रूरत पड़ती है। वित्त मतलब क्या होता है, धन। अब आपको समझ में आया, वित्त का मतलब होता है धन। तो यानी हर एक काम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, चाहे कुछ भी काम हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है। तो विद्यालय में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो सबसे ज़रूरी वहाँ धन की आवश्यकता होती है। तो अगर वही हमने सही से प्रबंधन नहीं किया वित्त का, तो बहुत सारी मुसीबतें या बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है।
चलिए अब आपको जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो सभी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। इसमें हम आज की क्लास में दो टॉपिक क्लियर करेंगे, जिसमें वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य और वित्तीय अनुदान, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों इसका, वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है उसकी बात कर लेते हैं। किसी भी संस्था के संचालन में वित्त का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वित्त का बता दिया मैंने आपको, वित्त मतलब होता है धन, ठीक है। तो वित्त का महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी संस्था या संगठन की सफलता अथवा असफलता का आकलन उसके वित्तीय प्रबंधन के स्तर से ही किया जा सकता है कि ये संगठन या ये संस्था सफल होने वाली है या असफल होने वाली है। उसका आकलन कैसे करते हैं, किस आधार पर करते हैं, वित्तीय प्रबंधन के आधार पर उसका आकलन किया जाता है। आगे बात करते हैं वित्तीय प्रबंधन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका यहाँ पर टॉपिक बन जाता है, यहाँ से हमेशा आपका प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। बात करें वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्यों की तो सबसे पहला है गाइस, वित्तीय प्रबंधन द्वारा हम विद्यालय को वित्त प्राप्त कराने वाले स्रोतों को जान सकेंगे। दोस्तों जब हम प्रबंधन करते हैं तो हम क्या करेंगे, साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि विद्यालय को वित्त किस किस स्रोत से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से स्रोत है जहाँ से विद्यालय को वित्त प्राप्त हो रहा है या हो सकता है, उन स्रोतों के बारे में जानेंगे, यानी कहाँ कहाँ से धन की प्राप्ति होती है विद्यालय को, उन स्रोतों के बारे में सबसे पहले हमें पता चलेगा। तो स्रोतों के बारे में पता करना भी एक उद्देश्य होता है वित्तीय प्रबंधन का। आगे बात करें उपलब्ध वित्त के उचित समायोजन को समझ सकेंगे। जितना भी हमारे पास उपलब्ध वित्त है, उपलब्ध धन है, उसका उचित समायोजन यानी सही स्थान पर सही काम के लिए और एक पर्याप्त मात्रा में वित्त का प्रबंधन होना चाहिए, जहाँ जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो हम जब वित्तीय प्रबंधन करेंगे तो हम जान पाएंगे कि कहाँ कहाँ वित्त का आप कह सकते हैं हमें प्रयोग करना है, तो एक उचित समायोजन बना सकेंगे। तीसरा अगर बिंदु की बात करें, विद्यालय प्रबंधन में वित्त के महत्व को भी हम जानेंगे जब हम विद्यालय का वित्त का प्रबंधन करेंगे, वित्त का, ठीक है। तो ये हो गए तीन बिंदु जिनके आधार पर हमने जाना कि क्या क्या वित्तीय प्रबंधन करने के उद्देश्य हो सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पर हम अनुदान क्या होता है, जो कि आपने ऊपर देखा था जहाँ मैंने आपको बताया कि विद्यालय अनुदान कौन कौन से होते हैं, वहाँ बात करेंगे। तो अनुदान एक ऐसी टर्म है जो आपके लिए नई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों शिक्षा की आय के दो प्रमुख आधार होते हैं, ठीक है, यानी शिक्षा के लिए जो आय होती है उसके दो प्रमुख आधार होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पर एक तो अनुदान होता है और दूसरा क्या हो जाता है, स्व अर्जित धन। ये दो आधार होते हैं, यानी इन दो तरीकों से विद्यालय को आय मिलती है या वित्त मिलता है इन दो प्रमुख आधारों पर, एक तो अनुदान और दूसरा स्व अर्जित धन। अब आप सोचेंगे कि अनुदान क्या होता है, ठीक है, अनुदान के बारे में बात की जाए, अनुदान क्या होता है। तो अनुदान क्या होता है दोस्तों, सरकार से जो प्राप्त होता है धन उसे हम अनुदान बोल देते हैं, ठीक है, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार विद्यालयों को जो धन धन का धन देती है, ठीक है। कुछ प्राइमरी जो विद्यालय होते हैं या आप बड़े भी विद्यालयों की बात कर लें, माध्यमिक विद्यालय की भी बात करें, तो कुछ ना कुछ जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पर सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, धन दिया जाता है, तो बहुत सारी योजनाओं के अनुसार। तो जो भी धन सरकार से प्राप्त होता है उसे हम अनुदान कहते हैं। स्व अर्जित धन क्या होता है, स्व अर्जित नाम से ही जैसा कि क्लियर है, जन साधारण शिक्षा के लिए सहायता करते हैं उसे हम स्व अर्जित धन कहते हैं। जन साधारण में कोई भी आ सकता है, सरकार के अलावा कोई भी, जैसे ग्राम प्रधान यदि कुछ मदद देता है अपनी तरफ से बिना सरकार की कोई मदद के अपनी तरफ से, या गांव का कोई भी सदस्य स्कूल में शिक्षा के लिए कोई सहायता देना चाहता है तो उनको क्या कहेंगे, स्व अर्जित साधन होते हैं वे वित्त के,
तो यहाँ बात कर लेते हैं स्वार्जित धन जन साधारण शिक्षा के लिए जो भी सहायता करते हैं उसको हम स्वार्जित धन या फिर दान कहते हैं। जिसे कहने आपने सुना होगा कि उसने विद्यालय में इतना दान दिया, ठीक है, तो वो दान कैसे, दान को ही हम स्वार्जित धन भी कह सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। हाँ जी बिल्कुल, कल संडे में आपका टेस्ट होगा, जितना आपको अभी तक कंप्लीट हो चुका है उसी का। और आगे बात करें, यहाँ पर एक और प्रमुख बिंदु है, शिक्षा के लिए शासकीय सहायता प्रदान करना शासकीय सहायता अनुदान कहलाता है। एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि शासकीय सहायता अनुदान क्या होता है। तो सिंपल से टर्म है, साथ के साथ जानते हुए चलिए, शिक्षा के लिए जो भी शासकीय सहायता प्रदान की जाती है उसे ही हम शासकीय सहायता अनुदान कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, शासकीय सहायता अनुदान प्रशासन के निम्नांकित तीन स्तरों से प्राप्त होती है। कैसे, शासकीय यानी सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसको हम शासकीय सहायता अनुदान कहते हैं। जो मैंने अभी पीछे बात की यहाँ पर अनुदान के बारे में, वही चीज़ है, बस यहाँ पर सरकार को पॉइंट करने के लिए यहाँ पर शासकीय शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। तो आप हैरान नहीं होइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, वही चीज़ है, बस यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो देखिए, शासकीय सहायता अनुदान यानी अनुदान किन किन स्तरों पर दिया जा सकता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्रीय स्तर से सहायता जो दी जाती है, जो अनुदान दिया जाता है, जो वित्तीय सहायता दी जाती है, तो शासकीय सहायता अनुदान को तीन स्तरों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला हो गया केंद्रीय शासन, दूसरा राज्य शासन जो मदद करता है, और तीसरा हो जाता है स्थानीय निकाय। तो तीन स्तर होते हैं शासकीय सहायता के, यानी केंद्र सरकार कुछ मदद करती है, कुछ राज्य सरकार मदद करती है, कुछ स्थानीय जो सरकार होती है वो मदद करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर तीन स्तर से अनुदान मिलता है, शासकीय सहायता अनुदान। क्लियर हो गया इतना आपको, कौन कौन से, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी तो हमने बात की शासकीय, अब हम बात करते हैं अशासकीय निजी अनुदान के स्रोत। अशासकीय यानी जो सरकार के द्वारा नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, स्वअर्जित या निजी अनुदान के स्रोत। स्वअर्जित या निजी अनुदान के स्रोत यानी जो वहाँ के जनसाधारण लोगों के द्वारा दिया जाता है, वो व्यक्तिगत भी हो सकता है या किसी न किसी संस्था के द्वारा भी हो सकता है। कोई संस्था, जैसे बहुत सारी संस्था होती है, एनजीओ होती है, तो हेल्प करती है, ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत लगती है कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा में ज़्यादा पिछड़े हैं या फिर यहाँ किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो इस तरह की संस्थाएँ मदद करती है प्राथमिक विद्यालय में। तो वो कैसी होती है, अशासकीय, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित नहीं होती है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, अशासकीय होती है, या फिर व्यक्तिगत रूप में आप मदद करते हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अशासकीय निजी अनुदान के दो स्रोत होते हैं, कौन कौन से, व्यक्तिगत और संस्थागत। क्लियर है, बहुत अच्छे, एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने सीखा, फिर अगला जो टॉपिक है उसे शुरू करेंगे, यहाँ पर इसी से संबंधित है अगला भी, लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं हमने क्या जाना है, रिकैप करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी संस्था के संचालन के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, वित्त, वित्त का प्रबंधन करना, और उसी पर निर्भर करती है उस संस्था या संगठन की सफलता अथवा असफलता। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात करें तो वित्तीय प्रबंधन के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं वित्तीय के, जो विद्यालय को वित्त देते हैं, जिनमें शासकीय स्रोत आ जाते हैं, अशासकीय आ जाते हैं, शासकीय के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय, और अशासकीय के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, व्यक्तिगत या फिर संस्थागत। क्लियर हो गया आपको, अनुदान क्या होता है, सरकार के द्वारा जो प्राप्त धन होता है, सरकार से प्राप्त धन होता है उसे अनुदान कह देते हैं, और स्वअर्जित धन या अशासकीय भी हम बोल सकते हैं उसे क्या कहेंगे, जनसाधारण के द्वारा शिक्षा के लिए जो सहायता दी जाती है, जो दान दिया जाता है, उसे स्वअर्जित या अशासकीय निजी अनुदान कहते हैं। और अशासकीय निजी अनुदान के दो स्रोत होते हैं, व्यक्तिगत और संस्थागत। शासकीय के तीन होते हैं, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय। इतना समझ में आ गया आप सभी को, बहुत अच्छे से, वेल डन।
यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों विद्यालय अनुदान या विद्यालय विकास अनुदान के बारे में, यानी कितना कितना अनुदान मिलता है। ये आपसे MCQ में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? प्राथमिक विद्यालय में कितना अनुदान दिया जाता है, उच्च प्राथमिक में कितना दिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को दिया जाने वाला मुख्य अनुदान है, ठीक है। देखते हैं प्राथमिक विद्यालय में प्रतिवर्ष कितना अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा, या सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा, जो सरकार ने ये एक अभियान चलाया सर्व शिक्षा अभियान, इसके अंतर्गत कितना यहाँ पर वित्तीय सहायता दी जाती है। तो प्राथमिक विद्यालयों की अगर बात करें तो 5,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं अनुदान के रूप में। उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो 7,000 यहाँ पर प्रति वर्ष सहायता दी जाती है विद्यालय अनुदान के रूप में। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 7,000 और प्राथमिक विद्यालयों में 5,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इस अनुदान का उपयोग विद्यालय कहाँ करता है? इस अनुदान का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। हमने जब मानवीय प्रबंधन समिति के बारे में जाना था, तब हमने विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में भी जाना था। तो अब आपसे मेरा प्रश्न यह है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष है वह कौन होता है? अब पता चलेगा कि आप लोग कितना ध्यान से सुनते हैं। देखते हैं कौन सही जवाब देगा, जल्दी से बताइए। विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? आप आंसर करते रहिए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो ये अनुदान दिया जाता है 5,000 या 7,000 रुपये प्रति वर्ष का, इसका उपयोग कौन करेगा? या तो विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी या फिर विद्यालय कल्याण समिति करेगी। किन कार्यों के लिए? विद्यालय संबंधी कार्यों के लिए ही यहाँ पर इस धन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है आप सभी को? बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए एक और मज़ेदार यहाँ पर टॉपिक आते हुए कि अनुदान का उपयोग कहाँ कहाँ या किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। BTC 2017 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विद्यालय में जो अनुदान दिया जाता है उसका किन कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक यहाँ पर आते हुए। अनुदान का उपयोग दोस्तों निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे पहला है विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु। विद्यालय में जितने भी उपकरण होते हैं, जो भी शिक्षा से संबंधित होते हैं, उन सभी उपकरणों की मरम्मत के हेतु। उपकरण में क्या क्या आ सकता है? वहाँ पर जो झूले हो सकते हैं विद्यालय में, ठीक है, और क्या उपकरण हो सकते हैं? ब्लैक बोर्ड, और ये भी, क्योंकि ये भी तो उपकरण में ही आता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी शिक्षा से संबंधित है, विद्यालय से संबंधित है, उनकी मरम्मत के हेतु हम इस अनुदान का उपयोग करते हैं। दूसरा, विद्यालय हेतु या बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने के लिए हम इस सहायता में जो हमें अनुदान मिलता है, विद्यालय को जो अनुदान मिलता है, उसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक डस्टर, जिला प्रदेश देश के नक्शे आदि, दीवार घड़ी आदि खरीदने हेतु। यानी जो भी शिक्षा से संबंधित यहाँ पर शिक्षण अधिगम सामग्री है, उन सभी को खरीदने के लिए भी हम अनुदान का उपयोग करते हैं। बैठने के लिए फर्नीचर, दरी, चटाई या बेंच, जो भी आपको लेना है, उसके लिए भी हम इस अनुदान का उपयोग इन कार्यों के लिए करते हैं। और बाकी बचे पॉइंट्स हैं, इनको भी जान लेते हैं। 5 मिनिमम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में था, 2 नंबर में, तो आपको ध्यान रखने होंगे 5 बिंदु, बहुत आसान से है। चौथे की अगर बात करें, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री को खरीदने के लिए भी हम इस अनुदान का उपयोग करते हैं। 5वां बिंदु है विद्यालय सौंदर्यीकरण हेतु। विद्यालय में साजो सज्जा के सामान खरीदने के लिए भी हम क्या करते हैं? विद्यालय में जो प्राप्त अनुदान होता है उसका उपयोग करते हैं।
तो आपको पता चला हम किन किन कार्यों के लिए उपयोग करते हैं विद्यालय में प्राप्त अनुदान का। विद्यालय में जितने उपकरण होते हैं यदि उनमें मरम्मत की आवश्यकता है तो मरम्मत के हेतु, बैठने के लिए दरी चटाई अवेलेबल नहीं है तो उनको खरीदने के लिए, पुस्तकालय हेतु किताबें समाचार पत्र नक्शे खरीदना है हमें देश का, जिले का, या ग्लोब खरीदना है, दीवार घड़ी खरीदना है, चोक डस्टर खरीदना है, इस तरह की जितनी भी इससे अलग और आदि आदि में आ जाएगी सभी वस्तुएं जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित होती है उनको खरीदने के लिए भी हम अनुदान का उपयोग करते हैं। विद्यालय में सफाई हेतु जितनी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है उनको खरीदने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं किसका, अनुदान का। अनुदान क्या होता है जल्दी बताइए, अनुदान क्या होता है? विद्यालय को प्राप्त धन सरकार के द्वारा, ठीक है। और विद्यालय सौंदर्यकरण हेतु यदि हमें वहाँ पर सौंदर्यकरण में अगर हमें कुछ पोस्टर लगाना है, ठीक है, जिससे बच्चों को अच्छा लगे क्लास में आकर के, और छोटी छोटी अफेक्टिव चीज़ें होती है बहुत सारी ऐसी कि जिनको हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं और उससे सुंदर भी लगता है कक्षा का कक्ष, और बच्चों को उससे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है। कायदा पहाड़े का एक टेबल आता है वो लगाने के लिए, उसमें सुंदर सुंदर चित्र बने होते हैं, तो इस तरीके से हम इन सभी चीज़ों के लिए विद्यालय अनुदान का उपयोग करते हैं। अब आप ये बताइए आपको कैसा ये टॉपिक समझ में आया, क्या सभी चीज़ें क्लियर है? हमने आज क्या क्या सीखा एक बार देख लीजिए। विद्यालय प्रबंधन क्या होता, वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, उद्देश्य क्या है, आवश्यकता क्या होती है वित्तीय प्रबंधन की, विद्यालय अनुदान कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कौन कौन से स्रोत है वो हमने जाने, प्राथमिक विद्यालय में कितना अनुदान दिया जाता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, और उच्च माध्यमिक स्तर पर कितना दिया जाता है, इन सभी बातों के बारे में हमने पूरी डिटेल में यहाँ पर क्लास ले ली है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी देंगे। आपको बताना है कि प्राथमिक विद्यालय में अनुदान के लिए कितनी धनराशि दी जाती है प्रतिवर्ष, और जो शासकीय अनुदान के स्तर होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, मेन कमेंट बॉक्स में, और बताना है क्लास कैसी लगी आपको। पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना दोस्तों, आपको नहीं भूलना है। ये आप अपना गुरु दक्षिणा समझ सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF का आप जानते हैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगी, तो ज्वाइन नहीं किया है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है लिंक, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, फिर मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखिए और नोट्स ज़रूर बनाइए, बाद के भरोसे मत रखिए, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में सभी चीज़ें इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होती है। अब काफ़ी समय हम दे रहे हैं क्लास को, एक टॉपिक को, तो बहुत अच्छे से सभी चीज़ों पर ध्यान से सभी चीज़ों को एनालाइज करते हुए, सभी चीज़ों को कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और बाकी आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू हो चुकी है कल मंडे से, ठीक है, मंडे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, हो चुकी नहीं है, मंडे से शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर अपनी क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।